हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, याद रखिए आपके जितने भी मैप्स से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। चलिए तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति देख लेते हैं मैप्स में, कहाँ स्थित है अफ्रीका आपका। ठीक है, यह है आपका प्यारा भारत पृथ्वी, और पृथ्वी में हमारा प्यारा भारत, यह है हमारा प्यारा भारत, दिख रहा है। इसमें आपका नीचे श्रीलंका है, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, ये यहाँ आपका बांग्लादेश है, म्यांमार लगा हुआ है, ये भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर ये चीन है। ठीक, यहां से आए तो ये है आपका, देखिए ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यही अदन की खाड़ी, ये आपका गिनी की खाड़ी है, ऊपर भूमध्य सागर है। ठीक है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, गिनी, बुर्किनो फासो, घाना, माली, नाइजर, लीबिया, मिस, चाड, नाइजीरिया, गेवन, दक्षिणी सूडान, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, कार्गो गणराज्य, तंजानिया, गेवन हो गया, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोस्वाना, नामीबिया, यही आपका मेडागास्कर है। ठीक, और यहाँ दक्षिण अफ्रीका, ये हैं सभी देश दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश। ठीक, इन्हीं के आसपास हमें देखनी है झीलें, कहाँ कौन सी झील है। ठीक है, चलिए मैप्स में देखते हैं इनकी स्थिति। तो ये है आपका प्यारा अफ्रीका। ठीक है, इसमें ऊपर से बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बीटर झील, बेटर बीटर बीटर झील आपकी ये है। इसके बारे में याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि बीटर जो झील है ये मिस्र की स्वेज नहर बीटर झील से गुजरती है। बंदर सईद व बंदर स्वेज के मध्य में अवस्थित इस झील के पानी को की लवणता बहुत अधिक है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण इस झील से बड़ी मात्रा में बाष्पीकरण होता है। ठीक, आपकी ये पीटर झील, यही आपकी नासिर झील है, ये आपकी नासिर झील है। सूडान तथा मिस्र की सीमा पर कर्क रेखा पर स्थित एक झील जो नील नदी में स्थित है। वर्ष 1960 ईस्वी के दशक में अस्वान बांध बनने के कारण यह 483 किलोमीटर लंबी झील बनी। अस्वान बांध का उद्देश्य विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई है। इसके अंतिम झील के कारण कई पुरातत्व महत्व के स्थल जैसे आबू सिब्बल डूब गए। ठीक, फिर बात करें तो ये आपकी चाड़ झील है। चाड़ झील के बारे में आप याद रखिए कि यह झील चाड़ और नाइजर कैमरून की सीमा पर स्थित झील है। चारी नदी अपना जल इसी झील में गिराती है। नीचे आए तो ये आपकी बोल्टा झील है। कौन सी, बोल्टा झील। ये बोल्टा झील के बारे में याद रखना है, घाना में बोल्टा नदी की निचली घाटी में स्थित एक झील जो ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। बोल्टा रेड स्वेत बोल्टा की सहायक है। बोल्टा नदी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, फिर यही आपकी टाना झील है। ठीक है, टाना झील इथोपिया उच्च भूमि के उत्तर भाग में स्थित एक झील, इसी से बिलू नदी निकलती है। ठीक है, आपकी यही आपकी असाल झील है। कौन सी, असाल झील। जिबूती स्थित यह झील अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। ठीक, असाल झील आपकी, यही रोडोल्फ झील है, ये आपकी रोडोल्फ झील है। रोडोल्फ झील के बारे में याद रखिए, रोडोल्फ झील जो है ये तुर्काना झील भी कहते हैं इसे। यह केनिया में बेरेंस घाटी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 6405 वर्ग किलोमीटर है। यह केन्या, इथोपिया व सूडान की सीमा पर बनाती है। ठीक है, फिर है आपकी कौन सी, रुडोल्फ देखी ली आप लोगों ने, एल्बर्ट, एल्बर्ट झील, ये आपकी एल्बर्ट झील। एल्बर्ट जो झील है ये, इसके बारे में याद रखिए कि युगांडा तथा जायरे की सीमा पर बेरेंस घाटी में स्थित एक झील जो 161 किलोमीटर लंबी तथा 21 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी खोज एस बेकन ने
1864 में की थी। ठीक है, फिर यही आपका क्योगा झील है। कौन सी? क्योगा झील। ठीक है, क्योगा झील। यही आपकी विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के बारे में आप याद रखिए कि अफ्रीकी देश युगांडा, कीनिया तथा तंजानिया की सीमा पर स्थित एक झील है जो बेरेंस घाटी का भाग नहीं है। यह अफ्रीका की सबसे मीठे जल की झील है। यह भूमध्य सबसे बड़ी है और मीठे जल की झील भी है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक, आपकी एडवर्ड झील है यही। कौन सी? एडवर्ड झील। एडवर्ड झील है जो युगांडा व केन्या की सीमा पर स्थित धरेंस घाटी की झील है जो युगांडा व केन्या की सीमा बनाती है। ठीक, एक क्यू झील है। क्यू झील के बारे में बताएं आपको तो ये एडवर्ड झील के पास ही है। यही टंगानिका झील है आपकी। कौन सी? टंगानिका झील। यही आपकी मा वेरू वेरू झील है, मा वेरू झील। इसके बारे में याद रखिए कि 11 यह झील आपकी कांगो और जाम्बिया जाम्बिया की सीमा पर स्थित है, मा वेरू झील। ठीक है, फिर नीचे आए तो आपकी मलावी, ये आपकी मलावी झील है, मलावी या न्यासा झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में, न्यासा या मलावी झील तंजानिया, मोजाम्बिक व मलावी की सीमा बनाती है। बेरेंस घाटी की यह झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, करीबा झील है आपकी यही। कौन सी? करीबा झील। करीबा झील जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित लुसाका के दक्षिण पूर्व करीबा गाज में जम्बेजी नदी पर स्थित एक झील है। ठीक, फिर है आपकी नगामी झील। ठीक है, नगामी झील। इसके बारे में याद रखिए कि बोत्सवाना में आका ओका वांगो डेल्टा के दक्षिण स्थित खारे जल की झील है जो कालाहारी मरुस्थल के उत्तर तथा ओका बांगो बेसिन के दक्षिण स्थित। वर्ष 1849 में डेविड लेविंग स्टोन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये थी आपकी अफ्रीका की महाद्वीप की सभी झीलें। ठीक, अब इनके बारे में जो आपको पॉइंट याद रखना है उन्हें भी देख लेते हैं। जो तथ्य हैं, एलबर्ट झील ये उगांडा तथा जायरे की सीमा पर भैंस घाटी में स्थित एक झील है जो 161 किलोमीटर लंबी तथा 21 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी खोज एस बेकर ने 1864 में की थी। ठीक है, यही आपकी करीबा झील है। फिर जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की इस सीमा पर स्थित लुसाका के दक्षिण पूर्व करीबा गाज में जम्बेजी नदी पर स्थित एक झील है। फिर आपकी टाना झील है, इथोपिया उच्च भूमि के उत्तर उत्तरी भाग में स्थित एक झील, इसी से बिलू नदी निकलती है। ठीक है, फिर आपकी तुर्काना झील है, इसे रोडोल्फ झील भी कहा जाता है। यह कीनिया में बेरेंस घाटी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 6405 वर्ग किलोमीटर। यह केन्या, इथोपिया, सूडान की सीमा बनाती है। न्यासा झील है अफ्रीका की बेरेंस घाटी में स्थित एक झील जिसके पश्चिम में मलावी तथा पूर्व में तंजानिया तथा मोजाम्बिक देश स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल है 29,604 वर्ग किलोमीटर। इसका जल दक्षिण बाहर बहकर जम्बेजी नदी में मिल जाता है। नगामी झील बोत्सवाना में ओका वांगो डेल्टा के दक्षिण स्थित खारे जल की झील जो कालाहारी मरुस्थल के उत्तर तथा ओका वांगो बेसिन के दक्षिण स्थित है। वर्ष 1849 में डेविड लिविंग स्टोन ने इसकी खोज की थी। फिर आपकी नासिर झील सूडान तथा मिस्र की सीमा पर कर्क रेखा पर स्थित एक झील जो नील नदी में स्थित है। वर्ष 1960 में के दशक में अस्वान बांध बनने के कारण यह 483 किलोमीटर लंबी झील बनी। अस्वान बांध का उद्देश्य विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई है। इस कृत्रिम झील के कारण कई पुरातत्व महत्व के स्थल जैसे आबू सिंबल डूब गए। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग बोल्गा झील के बारे में। पोल्टा झील
घाना में वोल्टा नदी की निचली घाटी में स्थित एक झील जो ग्रीन बिच रेखा पर स्थित है, वोल्टा रेड श्वेत वोल्टा की सहायक है। वोल्टा नदी जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है इस पर, यह मीठे पानी की झील है। फिर आपकी विक्टोरिया झील, अफ्रीकी देश युगांडा कीनिया तंजानिया की सीमा पर स्थित एक झील जो बेरेंस घाटी का भाग नहीं है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। फिर आपकी बीटर झील, मिस्र की स्वेज नहर बीटर झील से गुजरती है। बंदर सईद बा बंदर स्वेज के मध्य अवस्थित इस झील के पानी की लवणता बहुत अधिक है, कर्क रेखा के निकट होने के कारण इस झील से बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। फिर एडवर्ड झील, युगांडा व केन्या की सीमा पर स्थित फ्रेंस घाटी की झील जो युगांडा व केन्या की सीमा बनाती है। फिर आपकी असाल झील, जिबूती स्थित यह झील अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। फिर न्यासा झील या मलावी झील, यह झील तंजानिया मोजाम्बिक व मलावी की सीमा बनाती है। बेरेंस घाटी की यह झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। फिर है आपकी माउवेरू झील, यह झील कांगो एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। फिर आपकी चाड़ झील, चाड़ झील के बारे में आपको याद रखना कि यह झील चाड़ एवं नाइजर एवं कैमरून की सीमा पर स्थित है। चारी नदी है जो यह अपना जल इसी झील में गिराती है। ठीक है, तो ये थी आपकी अफ्रीका की प्रमुख झीलें। आगे हम लोग बात करेंगे यूरोप की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, यूरोप में बहुत सारी झीलें हैं, उनके बारे में देखेंगे हम।